बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजों के कमाल के परफॉर्मेंस के दम पर टीम इंडिया ने बनाई फाइनल में जगह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड कप 2023 का एक और बेहद ही शानदार सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया, जहां पर टीम इंडिया ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए न्यूजीलैंड की टीम को शिकस्त दे दी। लेकिन दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम ने भी इस हाई स्कोरिंग मुकाबले में टीम इंडिया को कड़ी टक्कर दी, लेकिन अंत में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप भी भारतीय टीम की शानदार जीत को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला रोहित शर्मा ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। रोहित ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। दोनों टीमों के नेशनल एंथम के साथ आज का महामुकाबला शुरू हुआ। तो टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे रोहित शर्मा, तो उनके साथ थे शुभमन गिल। दोस्तों, मुकाबले के पहले ओवर की चौथी गेंद पर ही रोहित शर्मा के बल्ले से निकले एक बेहतरीन चौके ने यहाँ पर पारी का शानदार आगाज किया, जब उन्होंने मिड विकेट की तरफ शानदार चौका लगाया। जबकि इसकी अगली गेंद पर मिड ऑफ की तरफ एक और शानदार चौका रोहित शर्मा के बल्ले से देखने को मिला, जहाँ पर दोस्तों पहले ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 10 रन बना लिए। जबकि दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक कमाल का चौका शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो वहीं पर इसकी अगली गेंद पर उनके बल्ले का इनसाइड एज लगकर गेंद एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार चली गई और एक और शानदार चौका इनको भी मिल गया। लेकिन मुकाबले का पहला छक्का तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर देखने को मिला, जब शानदार बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा ने एक कमाल का शॉट खेला और गेंद को सीधे 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट किया और इस मुकाबले का पहला छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर भी रोहित के बल्ले से एक और कमाल का शॉट देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और कमाल का शॉट डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से खेला और इस बार भी गेंद को सीधे 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और एक और कमाल का छक्का जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों, पांचवा ओवर डालने आए ट्रेंट बोल्ट की दूसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और कमाल का छक्का देखने को मिला और इस बार भी डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मिचेल सेंटनर की गेंद पर एक कमाल का स्वीप शॉट खेला और इस बार भी गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। जबकि इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को एक बार फिर से स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और एक और छक्का जड़ दिया। अब रोहित शर्मा 21 गेंदों पर 44 रनों पर पहुंच चुके थे। तो वहीं पर दूसरे छोर से शानदार बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल ने भी उनका अच्छा साथ दिया। लेकिन इसके बाद 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर केन विलियमसन के एक कमाल के कैच ने समाप्त की यहां पर रोहित शर्मा की शानदार पारी को, जहां पर उन्होंने 29 गेंदों पर 47 रनों की पारी खेली। तो वहीं पर इसके बाद विराट कोहली आए और आते ही उन्होंने एक बेहतरीन चौके के साथ अपनी पारी का शानदार आगाज किया। तो इसके बाद दूसरे छोर से शांत दिख रहे शुभमन गिल ने 10वें ओवर में 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए, जब उन्होंने दूसरी और चौथी गेंद पर 2 शानदार चौके चढ़कर टीम इंडिया के स्कोर को 80 रनों के पार पहुंचा दिया, यानी कि शुरुआती 10 ओवर में भारतीय टीम ने 84 रन जड़ दिए। इसके बाद शुभमन गिल का यह शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और उन्होंने 13वें ओवर में भी एक बेहतरीन चौका मिड विकेट की तरफ जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद उनकी शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली, जब उन्होंने 13वें ओवर में भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए पहली गेंद पर शानदार चौका जड़ा। तो वहीं पर इसी ओवर की दूसरी गेंद पर लकी फर्गसन की गेंद को शानदार तरीके से 6 रनों के लिए मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इसी के साथ भारतीय टीम ने 13वें ओवर में ही 100 रनों का आंकड़ा छू लिया। इसके बाद शानदार बल्लेबाजी गिल की जारी रही और उन्होंने 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर सिंगल के साथ अपना बेहतरीन अर्धशतक मात्र 41 गेंदों पर ही पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी करके दिखाई शुभमन गिल ने और इस बड़े मुकाबले में शानदार पारी खेल दी। इसके बाद 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर विराट कोहली के बल्ले से एक बेहतरीन कवर ड्राइव देखने को मिला, जहां पर एक बार फिर उन्होंने रचिन रविंद्र की गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। इसके साथ ही शानदार परफॉर्मेंस करते हुए शुभमन गिल और विराट कोहली के बीच 46 गेंदों पर 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो गई। लेकिन इसके बाद शानदार परफॉर्मेंस करते हुए शुभमन गिल ने एक और कमाल का छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, मिचेल सेंटनर के ओवर में 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार कट शॉट के जरिए बेहतरीन चौका बैकवर्ड पॉइंट की तरफ शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिला। तो इसके बाद इनके छक्कों का आगाज जारी रहा और इसी बीच 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी इन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और कमाल का छक्का जड़ दिया और कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अपने स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे शुभमन गिल। इसी बीच दोस्तों, शानदार बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली ने भी 23वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका मिड विकेट की तरफ खेल दिया। लेकिन
इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल को पैरों पर क्रैम्प आने शुरू हो गए, जिसके चलते वो रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौटे। उन्होंने 65 गेंदों पर नाबाद 79 रनों की पारी खेली। तो वहीं पर उनके आउट होने के बाद यहाँ पर क्रीज पर उतरे सरयास अय्यर, तो उन्होंने आते ही 27वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक कमाल का छक्का सामने की तरफ दे मारा, जहाँ पर गेंद सीधे साइड स्क्रीन पर जाकर लगी। तो इसके बाद विराट ने भी दमदार परफॉर्मेंस करते हुए 27वें ओवर की आखिरी गेंद पर अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। विराट की दमदार बल्लेबाजी रही, जहाँ पर विराट कोहली को अपने अर्धशतक तक पहुँचने के लिए 59 गेंदों का सामना किया, लेकिन दोस्तों अर्धशतक के बाद वो अब अपने रंग में आ चुके थे और ये उन्होंने दिखाया 29वें ओवर की पहली गेंद पर, जब उनके बल्ले से एक कमाल का चौका मिड ऑफ के ऊपर से देखने को मिला। तो इसके बाद तीसरा ओवर डालने आए साउथी की दूसरी गेंद पर एक कमाल का छक्का फ्लिक शॉट के जरिए मिड विकेट के ऊपर से जड़ दिया और भारतीय टीम के स्कोर को तेज़ी से आगे बढ़ाया। वहीं पर भारतीय टीम ने अब 21 से 30 ओवर के बीच बीच 64 रन बना लिए थे, लेकिन इसके बाद भी इन दोनों बल्लेबाजों का दमदार परफॉर्मेंस जारी रहा और टीम के लिए लगातार बेहतरीन रन आते रहे। इसी दौरान 33वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक कमाल का छक्का सरयास अय्यर के बल्ले से देखने को मिला। तो इसके बाद 34वें ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और कमाल का छक्का जड़ दिया और भारतीय टीम के साथ साथ अपने स्कोर को भी तेज़ी से आगे बढ़ाया। तो वहीं पर विराट कोहली भी कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए 36वें ओवर की पहली गेंद पर एक और शानदार चौका मिड विकेट की तरफ लगाया और एक और शानदार चौके के साथ ही अब धीरे धीरे अपने कदम शतक की ओर बढ़ाने शुरू कर दिए। लेकिन इसी बीच 36वें ओवर की तीसरी गेंद पर सरयास अय्यर के बल्ले से एक और कमाल का स्ट्रेट ड्राइव देखने को मिला, जहाँ पर गेंद को सीधे उन्होंने साइड स्क्रीन पर डाल दिया और एक और छक्का जड़ दिया। इसके बाद उनके बल्ले से 36वें ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और शानदार चौका देखने को मिला। इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने
वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही और न्यूजीलैंड की टीम को पहला झटका लगा डेवन कॉनवे के रूप में छठे ओवर की पहली गेंद पर। मोहम्मद शमी ने उन्हें केएल राहुल के हाथों कैच कराकर पवेलियन भेज दिया और भारतीय टीम को पहली सफलता मिली। डेवन कॉनवे 15 गेंदों पर 13 रन बनाकर पवेलियन लौटे तो इसके बाद दूसरे विकेट के लिए भी टीम इंडिया को ज़्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा और 8वें ओवर की 4थी गेंद पर रचिन रविंद्र के रूप में मोहम्मद शमी ने एक और सफलता टीम इंडिया की झोली में डाल दी। रचिन रविंद्र की बात करें तो इस मुकाबले में वो भी कुछ खास नहीं कर पाए और 22 गेंदों पर सिर्फ 13 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर डेरिल मिचेल के साथ मिलकर केन विलियमसन ने टीम के स्कोर को काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से कई शानदार शॉट देखने को मिले। शुरुआत में संभल कर बल्लेबाजी की लेकिन इसके बाद तो दोनों बल्लेबाज ने आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। इस दौरान केन विलियमसन ने तो शानदार परफॉर्मेंस दिखाई, साथ ही यहां पर शानदार परफॉर्मेंस डेरियल मिचेल के बल्ले से भी देखने को मिला और दोनों बल्लेबाजों ने देखते ही देखते कमाल की शतकीय साझेदारी पूरी कर डाली और धीरे धीरे मुकाबले को भारतीय टीम की हाथ से दूर ले जाते हुए नजर आए। इस दौरान डेरिल मिचेल ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अपना तूफानी शतक भी पूरा कर लिया। ये भारत के खिलाफ इनका इस साल का दूसरा शतक है क्योंकि दोनों मुकाबलों में इन्होंने कमाल का परफॉर्मेंस किया भारत के खिलाफ और एक और शतक ठोक दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम को लंबे इंतजार के बाद केन विलियमसन के रूप में मोहम्मद शमी ने एक और सफलता दिलाई और एक बड़ी साझेदारी को तोड़ने में कामयाब हुए। केन विलियमसन का सूर्य कुमार यादव ने बेहतरीन कैच पकड़ा, वो 73 गेंदों पर 69 रन बनाकर पवेलियन लौटे। लेकिन दोस्तों इसी ओवर में एक और सफलता मोहम्मद शमी ने दिला दी टॉम लेथम के रूप में और टॉम लेथम भी इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए और मोहम्मद शमी का शिकार बने। एक ही ओवर में दो सफलताएं दिलाकर मोहम्मद शमी ने भारतीय टीम की इस मुकाबले में वापसी करवा दी। हालांकि इस दौरान इसके बाद भी ग्लेन फिलिप्स और एक बार फिर डेरिल मिचेल ने शानदार पार्टनरशिप बनाई और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन दोस्तों इसके बाद अहम मौके पर ग्लेन फिलिप्स को जसप्रीत बुमराह ने पवेलियन भेजा। रविंद्र जडेजा ने बाउंड्री लाइन पर एक बेहतरीन कैच पकड़ा और भारतीय टीम को एक और महत्वपूर्ण सफलता दिला दी। इसके बाद तो चैंपियन मिचेल सेंटनर भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। डेरिल मिचेल हालांकि एक छोर से बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नजर आए लेकिन वो टीम को जीत तक नहीं ले जा सके और भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले को जीत कर पूरी तरह से भारतीय टीम सेमीफाइनल से अब फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। तो साथ ही 2019 की सेमीफाइनल में मिली हार का बदला भी टीम इंडिया ले चुकी है न्यूजीलैंड से। तो दोस्तों भारतीय टीम का ये परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।